फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मैन एक्टर रोशन भाभी यानी कि जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने 15 सालों बाद ये शो छोड़ दिया है। वजह रही है सेक्सुअल हेरासमेंट। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी पर रोशन भाभी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आसित कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने कहा कि सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए थे, उस वक्त आसित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वह मुझे बार बार कॉल पर अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा लगातार करते रहे। वो सबके सामने बैठकर मेरे होठों की तारीफ करते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझे पर्सनल मैसेज भेजते थे जिन्हें मैं लगातार इग्नोर करती थी। वो मुझे इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। मेरी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई है, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफ़ी रोती भी थी। आपको बता दें कि ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर आसित मोदी, जतिन बजाज कार्यकारी निर्माता और शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद जेनिफर ने आसित मोदी के साथ साथ सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ भी लीगल नोटिस भेज दिया है। अब सवाल है कि जेनिफर मिस्त्री यानी रोशन भाभी जब इतने सालों से प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हेड प्रोजेक्ट इन तीनों के शोषण से पीड़ित थी, तो आवाज इस वक्त क्यों उठा रही है? इसी सवालों के घेरे में आई रोशन भाभी कहती है कि शो के सेट पर कई सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन शो में काम खो देने के डर से भी इतने समय से चुप बैठी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने तब भी शो से बाहर किया गया था जब वे प्रेग्नेंट थी और शो में उनके पति का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह शो छोड़ रहे थे। वहीं रोशन भाभी ये भी दावा करती है कि पहले आसित मोदी ने उनके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक्ट्रेस ने काम खो देने के डर से उनकी हरकतों को इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि टीम ने उन्हें सेट पर जबरदस्ती रोकने की कोशिश और जाने नहीं दिया। वहीं ई टाइम्स की एक और रिपोर्ट के अनुसार आसित मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक नकली और बेबुनियाद आरोप है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। यह मेरी वास्तविक प्रतिक्रिया है और मैं बहाने बनाने या कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हर कोई जानता है कि मैं असल जीवन में कैसा आदमी हूँ। हमने उसे शो से और मेरी टीम से निकाल दिया है और मेरे निर्देशक और टीम ने उसे शो छोड़ने के लिए कहा, इसलिए वह ऐसा कर रही है। हमारे पास सभी सबूत है और मैं बिना सोचे समझे बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जल्दी आप सभी को सबूत और दस्तावेज भेज दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूरी टीम के साथ शो में गलत तरीके से व्यवहार किया। शूटिंग से बाहर निकलते समय उन्होंने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी कार को बहुत तेजी से बाहर निकाला। उन्होंने सेट की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। हमने शूटिंग के दौरान उनके खराब व्यवहार और अनुशासनहीनता के कारण उन्हें निकाला। वहीं इस घटना के दौरान आसित मोदी US में थे। फिलहाल मामले की हकीकत क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं।